हेलो दोस्तों, अभी मैं दो दिन पहले ही एक शॉर्ट्स वीडियो लेकर आया था जिसके अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों के कमेंट करके पूछा था कि अगर अपनी गाड़ी बजाज का BS6 गाड़ी है, चाहे वो OBD1 गाड़ी हो चाहे OBD2 गाड़ी हो, और अगर उस गाड़ी के अंदर दोस्तों चेक लाइट नहीं आती है, जिसे हम बोलते हैं MIL की लाइट भी बोला जाता है, माल फंक्शन इंडिकेशन लैंप भी बोला जाता है, अगर वो गाड़ी के अंदर दोस्तों लाइट नहीं आएगी, एक बार दिखाया था पास करके, एक बार दिखा दो जरा। जब हमने गाड़ी का इग्निशन ऑन किया, इस साइड से दिखाओ घूम के, इग्निशन ऑन करने के बाद ये हमारी दोस्तों MIL की जो लाइट होती है सेंसर वाली, बीच में देख रहे हैं बैटरी के बराबर में, अगर ये लाइट नहीं आएगी तो क्या होगा दोस्तों, आपकी गाड़ी में एक तो ऊपर से यहाँ सेल्फ नहीं लगेगा, दूसरा जब आप रिले से भी गाड़ी में अगर डायरेक्ट सेल्फ लगाएंगे तो गाड़ी में सेल्फ लगेगा बट गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो ऐसा अक्सर कस्टमर भाइयों का संग होता है कि गाड़ी को चलाते समय गाड़ी उनकी बंद हो जाती है और MIL की लाइट नहीं आती है। और RPM वाली जो लाइट होती है, मैं अगर इग्निशन बंद करके चालू करके दिखाता हूँ, ये RPM वाली लाइट जो है ये चालू रह जाती है, MIL की लाइट बंद हो जाती है। तो दोस्तों उस केस में मैंने पूछा था आपको क्या क्या चीज़ों को डायग्नोस करना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें देखना चाहिए, तो उसमें काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों ने हिस्सा लिया, काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों ने हमें कमेंट करके जवाब दिए। और दोस्तों इस बार मैं आपको बताता हूँ जितने भी हमारे मैकेनिक भाइयों ने उसमें जवाब दिए हैं, जैसे मान लीजिए एक ही कमी आ सकती थी 7 बजे से, तो किसी मैकेनिक भाई ने एक आंसर दिया कि सर ECU खराब हो सकता है, किसी ने बोला सर वायरिंग में दिक्कत आ सकती है, लेकिन मैं दोस्तों हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि प्रोसेस वे यानी कि प्रॉपर SOP के हिसाब से आप मेरे को कमेंट करिए, जिसके अंदर पूरा मेंशन करिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाया है इसके अंदर पूरा डिटेल में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गाड़ी में आपकी MIL की लाइट नहीं आ रही है, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो दोस्तों उस कंडीशन में मैंने घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ पॉइंट हैं स्टेप बाय स्टेप, उन पॉइंट को आपको फॉलो करना है एक एक करके और आपकी गाड़ी ओके हो जाएगी। तो दोस्तों क्या पॉइंट थे वो और किन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, तो दोस्तों मैंने उसमें से कमेंट में से अपने 3 मैकेनिक भाइयों के कमेंट को सिलेक्ट किया है जिन्होंने पूरा प्रॉपर वे SOP के हिसाब से बताया था। तो दोस्तों इस बार भी मैं नंबर 1 पे रखना चाहूँगा अपना नवाज शरीफ जी को, जो कि बांदा से हैं, उन्होंने भी इस बार हमारे जो सवाल का जवाब था वो पूरा प्रॉपर दिया है। 2 दिन पहले दोस्तों मैंने इसका शॉर्ट्स डाला था, आप एक बार देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा हो। नंबर 1 पे दोस्तों मैं इस बार रखूँगा नवाज शरीफ जी को, इसके लिए बहुत बहुत दिल से उनको बधाई और आगे भी वो इसी तरीके से अपनी नॉलेज को गेन करते रहें। और दोस्तों नंबर 2 पर वो इस बार मैं जो रखूँगा अपना नंबर 2 पर मैं रखूँगा दोस्तों इस बार दीपक साक्या जी को, जिनका कॉमेंट भी 2nd नंबर पर हमने सिलेक्ट किया है। और दोस्तों नंबर 3 की कैटेगरी में जो हमने रखा है वो रखा है हमने सुहान जी को। तो दोस्तों इसके लिए इन 3 भाइयों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, और आगे दोस्तों जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसके अंदर जो आपसे मैं क्वेश्चन करूँगा उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और पूरा प्रॉपर वे में आप मेरे को आंसर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों का नाम भी यहाँ पर आकर मेंशन कर सकूँ। तो दोस्तों वीडियो में आगे जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको ये मालूम चल पाएगा कि गाड़ी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम जब भी आती है तो आपको क्या क्या चीज़ें डायग्नोस करनी होती है। तो दोस्तों मैं हूँ इमरान अहमद मनोरमोटो जागरा से, और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इमरान ऑटोटेक में। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आप आगे जुड़े रहिए, वीडियो को हम अपनी करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो स्टेप बन रहेगा वो रहेगा दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी बैटरी के वोल्टेज चेक करने हैं, अगर हमारी गाड़ी का बैटरी डाउन होगा दोस्तों उस कंडीशन में भी हमारी गाड़ी में MIL नहीं आएगी। 2nd नंबर, अगर हमारी बैटरी के टर्मिनल लूज हो जाएंगे उस केस में भी दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर MIL नहीं आएगी, क्योंकि हमारी गाड़ी पे दोस्तों जो AC होता है वो 12 वोल्ट की सप्लाई पे काम करता है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए बैटरी ओके था, उसके बाद भी अगर लाइट नहीं आ रही थी, तो स्टेप 2 दोस्तों हमारा क्या रहेगा, ये जो आप सामने देख रहे हैं डस्ट प्लग रहता है, जिसे हम निकालने के बाद गाड़ी में गैस फिलिंग कराते हैं। अक्सर दोस्तों गाड़ी चलने में क्या होता है, चलते चलते गाड़ी पे दौंची लगी और ये पिन हमारी लूज हो गई, तो उस केस में भी आपकी गाड़ी के अंदर MIL की लाइट नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा डस्ट प्लग बैठा होना चाहिए प्रॉपरली। सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं ये हमारा माइक्रो स्विच लगा रहता है, बरसात के अंदर क्या होता है दोस्तों पानी जाने की वजह से ये हमारी MIL की लाइट नहीं आती, वर्किंग नहीं करता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों वायरों को यहां से निकाल देना है और अलग अलग रखना है, आपस में टच नहीं करना है। इस केस में क्या होगा, आपकी गाड़ी के अंदर MIL की लाइट आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपने स्टेप 2 भी फॉलो कर लिया उसके बाद भी MIL नहीं आ रही है, तो दोस्तों उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पे स्टेप 3 में हमारा जो फ्यूज बॉक्स होता है उसके ठीक नीचे की तरफ दोस्तों 6 तो ऊपर सामने होते हैं, एक जो 7वां फ्यूज यहाँ कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया होता है, यहाँ MIL के लिए होता है प्रॉपर लीजिए, अगर ये फ्यूज खराब हो जाएगा आपकी गाड़ी का तो भी दोस्तों आपकी गाड़ी के अंदर MIL की लाइट नहीं आएगी और गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद भी दोस्तों मान लीजिए आपने वो ओके करा, उसके बाद ये 2 फ्यूज यहाँ होते हैं, 10 एम्पियर का फ्यूज है MIL की लाइट के लिए बैटरी के पास में, अगर ये फ्यूज आपका खराब हो जाएगा तो MIL की लाइट नहीं आएगी। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं स्टेप 5 की तरफ, ये सामने जो आप देख रहे हैं दोस्तों ब्लैक कलर की, ये हमारा यहाँ CNG गाड़ी के अंदर होता है, जिसे हम बोलते हैं CNG कट ऑफ रिले, अगर इसका कोई वायर टूट जाएंगे या मान लीजिए रिले आपकी शॉर्ट हो जाएगी तो भी दोस्तों आपकी गाड़ी के अंदर MIL की लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ स्टेप 6 की,
कि स्टेप सिक्स में दोस्तों हमें क्या चेक करना पड़ेगा, जो आगे की वायरिंग रहती है हमारे, जो वायर रहता है ब्राउन ब्लैक कलर का वायर जाता है घूम के यहाँ से रियर वायरिंग के लिए, हो सकता है कोई वायर बैकआउट हो जाए, पिन लूज हो जाए या कपलर लूज हो जाए, यानी कि आगे की वायरिंग का हम कनेक्शन प्रॉपरली चेक कर लेंगे, भैया कोई कनेक्शन यहाँ से लूज तो नहीं है, कपलर बैकआउट तो नहीं है। अगर मान लीजिए ये भी आपने किया फिर भी अगर MIL की लाइट नहीं आई तो दोस्तों उसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप सेवन हमें फॉलो करना है। हम पीछे की तरफ जाएंगे, जंक्शन बॉक्स अपना ओपन करेंगे, वहां दोस्तों हमें ब्राउन कलर की रिले मिलेगी नंबर एक पे, जैसे बोलते हैं मैन रिले। इस मैन रिले जब तक दोस्तों हमारी ऑपरेट नहीं होगी कोई फंक्शन हमारी गाड़ी का काम नहीं करेगा। ब्राउन और व्हाइट कलर का वायर रहता है जिससे दोस्तों आउटपुट वोल्टेज बाहर जाना चाहिए, हो सकता है वायर टूट जाए या हो सकता है हमारा रिले खराब हो जाए, तो उस केस में भी दोस्तों हमारी गाड़ी के अंदर MIL की लाइट हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, स्टेप एट में जितने भी हमारी गाड़ी के अंदर दोस्तों अर्थिंग के वायर हैं, ध्यान रखिएगा प्रॉपरली हमें चेक करना है कोई वायर लूज तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपने ये भी चेक कर लिया, आपको वो भी ओके मिला, हो सकता है दोस्तों जो रियर वायरिंग होती है हमारी AC पर जाती है इसमें से कोई वायर बीच में से ब्रेक हो गया हो। अगर मान ली दोस्तों आपने सारा एक्सरसाइज इतना कर लिया उसके बाद भी MIL की लाइट नहीं आ रही थी, तो 100% आपकी गाड़ी के अंदर जो ECU है ये फॉल्टी हो गया है, ये शॉर्ट हो गया है, ECU आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए ECU रिप्लेस करने से पहले इतनी सारी चीजों को आपको जरूर चेक कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।